मोहम्मद कैफ का परिवार पहली बार कैमरे पे सामने आया, क्या कह रही है उसकी माँ, ये देखते हैं। हाँ, जिसमें वो अभी फिलहाल में वो नहीं थे और फिर भी इल्जाम थापा जा रहा है उन पर, ये तो गलत है सब। क्या नाम है आपका? लाडली खातू। ठीक है, शुरू करें। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्याकांड में आपका नाम आया है, क्या आप उनके हत्याकांड में शामिल रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आप ये जानकारी ले लें कि 2008 में हमारी कैफ क्रिकेट अकेडमी की स्थापना हुई, जिसका सबसे बड़ा योगदान हमारे भैया राजदेव भैया का था। और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, जो 2016 चल रहा है लगभग 8 सालों से, उन्हीं का देन है कि आज बिहार में 3 लड़के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कैफ क्रिकेट अकेडमी हमारे नाम से चलती है। तुम बैठ जाना, लाइट कहाँ आ रहा है बेवकूफ़ कहीं का। चलिए शुरू करें। हाँ, मैं कर रहा हूँ। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्याकांड में आपका नाम आया है, क्या आप मानते हैं कि उस हत्याकांड में आप शामिल थे? भैया, मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि मैं क्रिकेटर हूँ और पूरे नॉर्थ बिहार में हमारे इतना ट्रॉफी घर हो किसी घर तो आप जो कहिए। दूसरी बात, ये हत्या का सवाल जाना, मैं आपको बता दूं कि मेरा रिलेशन क्या था राजदेव भैया से। जब से मेरा इस लालछन लगा है, पूरे घर वाले हमारे बहुत ही ग्रसित हैं, आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि मैं उनके साथ इतना करीब से जुड़ा हूँ कि मैं उनके साथ बैठ के खाना खाता था। हमारे घर वो आते थे, मैं उनके घर एक बार गया भी था, और बहुत सारी यादें हैं जो सिर्फ आंसू बहा कर रह सकते हैं और मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये जितने भी बेबुनियादें हैं सारी झूठी बातें हैं, सारी एकदम बकवास बातें हैं। उस दिन जिस दिन हत्या हुई 13 तारीख को, मुझे भी याद है, मेरी बहन की। ये सारा मामला जो है इन्वेस्टिगेशन का है। मोहम्मद कैफ नेताओं के साथ पहुंच जाता है, मीडिया मोहम्मद कैफ के पास पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच रही है। बस